जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एशियन का ऑल प्रोटेक्ट एप्कोलाइट साइन प्रोडक्ट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जो कि है फ्लेम स्प्रेड अपॉर रेजिस्टेंट है, कहीं पे भी अगर आप पेंट को लगाते हैं तो वहाँ से आग वाग नहीं फैलने देगा, या फिर इसकी लोटस इफेक्ट है, जिस भी वॉल पे अगर आप लगा देते हो तो वहाँ पे आप पानी अगर वो पानी से वॉश करते हो तो उस दीवाल्स पे पानी नहीं रहेगा, जिससे आपको कहीं पे भी पानी सूखने के बाद एक नॉच नॉच देखने को मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। या फिर एडवांस स्टेन गार्ड है, जहाँ भी अगर सरफेस पर आप लगाते हैं तो वहाँ से वो कोई भी पहले का जो दाग धब्बा वो बिल्कुल ही उसको ब्लॉक कर देगा। या फिर तीसरा है फ्रेगनेंस, कहीं पे भी आप चौथा फ्रेगनेंस है जहाँ पे भी अगर लगाते हैं तो वो एक अच्छी खुशबू आपको प्रोवाइड करेगा। तो हम इसी पेंट के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अमृत आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल द पेंट ग्रुप पे। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एशियन का एप्कोलाइट साइन ऑल प्रोटेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एशियन का एप्कोलाइट साइन ऑल प्रोटेक्ट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी अप्लाइंग एरिया क्या है, अप्लाइंग सरफेसेस क्या है, इसकी वाशेबिलिटी वाटर के साथ कैसा है, कवरेज एरिया पर लीटर कितना है, या फिर इसकी जो सरफेस फिनिशिंग है वो क्या है, इसकी सरफेस ड्राइंग टाइम क्या है, इसकी रिकोटिंग टाइम क्या है, या फिर इसमें आपको कितना कलर शेड कंपनी देती है, या फिर इसकी कौन कौन सी पैकिंग साइज आपको मिल जाएगा, या फिर इसकी वाटर डाइल्यूशन रेशियो क्या है, या फिर इसकी पर लीटर प्राइस रेंज क्या है। आज हम इन्हीं सारे टॉपिक पे बात करेंगे, इसका डेमो करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ये कंपनी कहती है इसकी साइन फिनिशिंग कैसा आते हैं, या फिर इसका जो भी मेन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टीज दिखाया था क्या वो इन सारे चीज़ों इस पेंट में मिलता है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है ये है अप्लाइंग एरिया। तो अगर हम अप्लाइंग एरिया की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पे लगाया जा सकता है, ये सिर्फ अंदर के दीवारों पे लगाया जा सकता है, ये बाहर के दीवारों पे नहीं लगाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं अप्लाइंग सर्फेसेस की कि कौन कौन से सर्फेस पे आप लगा सकते हैं। तो इसको आप कंक्रीट के वॉल्स पे भी लगा सकते हैं, या फिर ब्रिक्स के जो नॉर्मल प्लास्टर्स होता है जो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी वाटर के साथ वॉशेबिलिटी की, किसी भी वॉल्स पर आप पेंट लगा दिए तो इसकी वॉशेबिलिटी कैसा है। तो चूंकि इसका जो लोटस इफेक्ट है इसके वजह से इसकी वॉशेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप कुछ भी अगर लगता है तो वहाँ से इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं या वाटर से हेल्प से आप उसको साफ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी कवरेज एरिया की कि इसकी पर लीटर कवरेज एरिया कितनी है। तो अगर हम इसकी कवरेज एरिया की बात करें तो अगर आप एक लीटर पेंट एक कोट लगाते हैं तो ये 240 से 260 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। वहीं अगर आप एक लीटर पेंट दो कोट लगाते हैं तो वो आपको 120 से 130 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी सरफेस फिनिशिंग की कि इसकी सरफेस फिनिशिंग कैसा आता है। तो इसकी सरफेस फिनिश जो प्रोडक्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ एप्कोलाइट सीन, तो इसकी सरफेस फिनिश जो है सॉफ्ट सीन और स्मूथ होता है। इसमें एक और भी प्रोडक्ट आता है एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट, जो कि सीन में नहीं मिलता देखने को, वो एक मैट एंड स्मूथ में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी सरफेस ड्राइंग टाइम की, अगर कहीं पे पेंट लगाते हैं तो वो कितने टाइम में वो सूख जाएगा। तो इसकी सरफेस ड्राइंग टाइम की बात करें तो वो आपको 30 मिनट है, किसी भी सरफेस पर आप लगाते हैं तो वो वॉल्स को वहाँ से 30 मिनट में सूख जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिकोटिंग टाइम की कि अगर आप पेंट लगाते हैं तो वो एक कोट लगा दिए हैं और दूसरा कोट लगाना है तो वो कितना देर वेट करना चाहिए। तो हम रिकोटिंग टाइम की बात करें तो उसके लिए कम से कम आपको 4 से 6 घंटा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको दूसरा कोट लगाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसमें अवेलेबल पैकिंग साइज की, कौन कौन सा पैकिंग साइज मिलता है। तो अगर हम अवेलेबल पैकिंग साइज की बात करें तो ये आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर, ये चारों पैकिंग साइज में कंपनी आपको देती है। और कंपनी ये कहती भी है कि जो आप रॉयल साइन वगैरह लगाते थे या फिर इस टाइप का कोई भी पेंट जो आप महंगा चूज नहीं कर सकते तो उसके जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको ये रॉयल साइन की कॉपी प्रोडक्ट कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी वाटर डाइल्यूशन रेशियो की कि अगर आप 1 लीटर पेंट में कितना पार्टन मिक्स कर सकते हो, तो आप 1 लीटर पेंट में 30-40% वाटर मिक्स कर सकते हैं, कंपनी का नॉब्स में ऐसा है। पर जैसे जैसे कलर आप डार्क लेते हो उस वजह से वाटर को थोड़ा कम मिक्स करें और उसके बाद अप्लाई करें। फिर हम बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की, तो अगर प्राइस रेंज की बात करें तो जो प्रोडक्ट मेरे पास है उसकी जो MRP 392 है, पर तो ये थोड़ा सा ओल्ड प्रोडक्ट है। आप कोई भी अगर नया प्रोडक्ट है तो मेरे को लगता है एपेक्स जो आप एक्सटीरियर प्रोडक्ट है तो उसी प्राइस रेंज पे ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट की मेन जो बेनिफिट कंपनी देती है वो पहला फ्लेम स्प्रेड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था लोटस इफेक्ट, कहीं पे भी अगर आप ये पेंट लगा दिए वहाँ पे अगर वाटर उसको गिराते हैं तो हम उसको चेकआउट भी करेंगे डेमो के बाद। फिर एडवांस स्टेन गार्ड जो कि मैंने बताया था कि कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी बेहतर उसको जो प्रीवियस में वॉल्स पे दाग है वो उसको ढक देता है। या फिर पांचवा है फ्रेगनेंस, कहीं पे भी लगाते हैं तो एक बेहतर खुशबू आपको देखने को मिलता है।
तो चलिए हम इसका डेमो करते हैं और देखते हैं कि इस जो प्रोडक्ट हमने लिया हुआ है एप्कोलाइट शाइन, इसकी सरफेस फिनिशिंग कैसी आती है या फिर इसकी वॉल्स के साथ स्मूथनेस कैसा आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखा होगा कि जब भी हम पेंट लगाते हैं तो पहला हम उसको एक पुट्टी का और प्राइमरिंग का सरफेस रेडी रखते हैं, उसके बाद हम दो कोट अप्लाई करते हैं एक प्रॉपर ड्राइंग टाइम इंटरवल के टाइम के बाद, और फिर वो जब पेंट सूख जाता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसा कैसा आपको चेंज देखने को मिलता है या फिर इसमें कैसा लाइट का रिफ्लेक्शन है, हम ये चीज़ें आपको दिखाते हैं और उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम बताते हैं। वैसे ही हमने एक सर्फेस पर एप्कोलाइट सीन भी लगाया और हमने देखा कि उसकी सर्फेस, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं एप्कोलाइट सीन है। अब इसकी अगर शाइनिंग की बात करें तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैंने अब तक जितना भी इमल्शंस किया, या तो मैंने मिड रेंज में जनरली बात किया या फिर इकोनॉमिक रेंज में बात किया, उन सबसे ऊपर है। अगर आप कोई भी वैसा प्रोडक्ट चूज करते हैं जैसे मिड रेंज, आप एक्सटीरियर प्रोडक्ट जैसे लोग इसको अंदर दीवारों पर लगाते हैं, अगर आप वहाँ पर लगाते हैं तो ये पेंट आप अप्लाई कीजिए, उसी रेंज में ही आपको पेंट पड़ जाएगा। क्योंकि जो एस का जो कवरेज है वो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे भी कि कैसे आपका एस का और इसकी प्राइसिंग कॉस्ट सेम होगी। तो अभी फिलहाल हम इसकी सरफेस फिनिशिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके बहुत ही बेहतर शाइन को, मतलब इसकी वाइटनिंग और ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे इस पर किसी इमल्शन का अप्लाई हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई आयल पेंट मारा गया हो, इतनी इसकी शाइनिंग भी है या फिर स्मूथनेस भी बिल्कुल वैसे ही, मतलब ऑसम। अगर इस वहाँ तो जो भी हमने इमल्शन देखे थे वहाँ पे नाखून वैसे करा था, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम नाखून का तो बिल्कुल वैसा कोई इसके सरफेस के साथ कोई टच ही नहीं आ रहा, तो रिमूव होने या फिर वहाँ से निकलने का तो कोई बात ही नहीं बनता। तो अगर आप कोई मिड रेंज में या फिर आप थोड़ा प्रीमियम मिड रेंज से थोड़ा ऊपर, जैसे कि हम एपेक्स साइन अंदर की दीवारों पर लगाते हैं, उस टाइप से कोई रिप्लेसमेंट अगर चाहते हैं जो कि आपको सस्ता भी पड़े और एक बिल्कुल रॉयल साइन वाली फिनिश दे, तो वो वहाँ पे आप एप्को एशियन का एप्कोलाइट सीन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपको जो आप एपेक्स साइन लगाते हैं उससे साइनिंग में ये ऑलमोस्ट 10 गुना बेटर है और उसकी हार्डनेस भी बिल्कुल बेस्ट है, और ये अंदर की दीवारों के लिए स्पेशली डिजाइन है जो कि आपको एक लंबा और लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप कहीं पे भी अंदर दीवारों पे कोई पेंट लगाना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि बेहतर हो, उसकी साइनिंग अच्छी हो, कवरेज अच्छा हो, प्राइस कॉस्ट कम हो, तो आप इसको लगा सकते हैं और ये दी बेस्ट होगा। तो अगर कभी भी आप अंदर की दीवारों पे कोई प्रोडक्ट लगाना है तो आप इजीली एशियन का एप्कोलाइट असीन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये दुकानों पर उतना ईजिली अवेलेबल नहीं हो जाता क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप उनको बोलिए आप ऑर्डर करें, मंगाएं और ये लगाएं, ये दी बेस्ट है। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। हर बार आपको इसी तरह से नए नए प्रोडक्ट लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।